गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दारक जाएंगे। दारक में एक केव है, बहुत एंशियंट, बहुत पुराना केव है। तो आज हम लोग वहाँ पे जाएगा और आप लोगों को दिखेगा वो केव को। और यहाँ पे मेरा साथ है गोविता सर, मिग्द और माइकल। तो चलो तो बड़ा होगा। तो अभी हम लोग पेट्रोल भराएंगे यहाँ पे। कितना हो जाना सवा? नहीं हो जाए उसको कुछ और कर लिया। हाँ 200 का भरा है। हाँ नहीं तेरा को 100 का डाल ले। अभी हमने पेट्रोल भरा दिया है। तो अभी हम लोग रास्ते पे हैं। अभी आलू तो दारक का डिस्टेंस है 38 किलोमीटर, तो बहुत दूर है। रास्ता भी शायद इतनी खास नहीं है, फिर भी चलते हैं। तो अभी हम लोग कम्बा में है। यहाँ पे मेरा स्कूटी का पंप कम हो गया था, तो उसको थोड़ा सा भर रहा है। उसका हम लोग वापस अभी जा रहे हैं। उसके बाद अभी दारक की ओर निकलेगा। तो ये था लोगों विलेज। और जो आप लोगों ने देखा, एक छोटा छोटा घर आप लोग देखा होगा, वो है धान के गोदाम। वहाँ पे हम लोग होल ईयर का जो हम लोग का प्रोडक्शन होते हैं, जो धान निकाला जाते हैं, उसको हम लोग वापिस स्टॉक करके रखते हैं। उसके बाद वह सब दौड़ा दौड़ा करके निकालते हैं। तो गाइस आप लोग एक बात याद रखना कि अगर आप लोग धारक आते हैं तो तांबा को सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है उस चीज़ का। और यहाँ पे दुकानों में भी आप लोगों को नहीं मिला जाएगा ये चीज़। और तो ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने बोर्ड पे देख के वहाँ पे क्या कहने वाला बोले क्या हमको भी खिलाओ ना, हम नहीं मरेगा ना उसको आके अंदर का किससे इसको कहेगा अंदर मरने से अच्छा ऐसे मत बोला। तो मैं खा के देखता हूँ इसे। तो ऐसे तो गलत चीज़ तो नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग वहाँ से आया था, अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये है स्टेचू ऑफ अतो लोदो। ये यहाँ से बस्ती है और यहाँ से हम लोग आए थे। और यहाँ से कैब, यहाँ से केव का रास्ता है। अब पेन रहे वाला दे दो उसको, ये आगे ही नहीं है, ये लोग दे हाथ को ये।
Oh, oh. थक गया होगा। ओहो, तेरी रिस्की। यहाँ पे रास्ता भी है, ब्रिज बना के। तो गाइस हम लोग फाइनली केव में पहुंच गए हैं और हम लोग रास्ता भटक गए थे, तो एक आबो ने हमें बताया कि यहाँ से जा उठते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रिज भी बना के रहते हैं, शायद यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, तो अभी हम दिखेगा यहाँ पे। Wow, looking so beautiful. ये जो एलिफेंट ट्रंक, हाँ बोल रहा था, वहाँ पे भी एक होल है, वहाँ से शायद हम निकाल सकते हैं। वहाँ पे भी एक हॉल है, पता नहीं वहाँ से क्या चीज है, टॉर्च मार के देखो, वहाँ से शायद पानी निकलता है। ये गेट जो है लामू पोतम के सामने में है और ये लामू पोतम जो तारक सर्कल के अंदर में आते हैं। ये गेट जो 7-8 जनरेशन जब था उस समय डिस्कवर किया गया था, जो यहाँ का ग्लेशियर से हंटिंग करने आए थे उसने, और उस समय लोग यहाँ पे घुसने के लिए डरते थे। अभी यहाँ पे फ्रीली लोग घुसते हैं और यहाँ पे घुसने से मगर कुछ चीज़ हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, यहाँ पे पीसफुल हमें यहाँ पे घूम के वापस जाना है। Yo,
वहाँ पे भी एक हॉल है, वहाँ से भी घुसता है बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं घुस पाएगा, तो हम यहाँ से होके वो हॉल से घुसेंगे। नीचे देखो वहाँ से आए ना, वहाँ वहाँ से ओके वहाँ से घूर के वापस निकल हम यहाँ से अभी वापस गए ना। जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, वीडियो की लास्ट एंडिंग में मैं आप लोगों को इसके बारे में यहाँ में ऐसे बताया गया कि ये कैब जो पहले बहुत ही भरा था और भी अंदर घुसते थे, कुछ इंसिडेंट के कारण ये कैब जो चौथा हो गया। ये कैब के बारे में आप हमें कुछ बताइए। ठीक है, हम खुद बने हैं, प्रिपेयर बाय माई सेल्फ, बहुत टेस्टी होगा ये तो। व्यू भी बहुत बढ़िया है यहाँ से, वाह बहुत।